टू कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस फाइव। ये प्रूव करना है। यस सर। सुनो, कंपोनेंट और डिविडेंड तो क्या होता है कि जैसे ए अपॉन बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिखा है, तो इसको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तब भी दोनों साइड इक्वल रहेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ऐसा भी कर सकते हैं बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू प्लस। समझ आया? यस सर। हाँ, मतलब जैसा इस साइड में करना है वैसा ही इस साइड में करना है। इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसमें क्या किया मैंने, पहले न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखा है, फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो इधर भी ऐसा ही करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इधर क्या किया, इसमें क्या किया है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो ऐसा ही इधर भी करेंगे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ऐसा कभी भी कर सकते हैं तब भी दोनों साइड इक्वल रहेंगे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नो सर। सर ये कब लगता है, मतलब कैसे दिमाग में आएगा वो क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा या फिर ऑप्शन में दिख जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी दिखे तो सोच लोगे कहीं कंपोनेंट डिविडेंड तो नहीं लग रही। हाँ बेटा तुम बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन आपने करा रखा है, टू कॉस थीटा प्लस वो वाला, सर टू अपॉन फोर आंसर आ रहा था वो एक और बार पूछ रहे हैं, कह रहे समझ नहीं आया, बता देते हैं। ऐसा। देखो इसको क्या करेंगे, साइन थीटा साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा कॉस फाइव लिख दो, इक्वल टू हो गया 1/3, ठीक है। अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तो ए माइनस बी, पहले डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर रहा हूं, तो अपॉन में डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर रहा हूं, ऐसा ही मुझे राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो ये ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस फाइव, नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस फाइव, इक्वल टू हो गया ये 2/4, 2/4 को 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, ओके सर आ गया। समझ गए ना? यस सर, लॉ में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी बस। ठीक है, हाँ करा दिया था ये क्वेश्चन बेटा, दोबारा पूछ रहे। सुनो कुछ और पढ़ लेते आगे ना थ्योरी में, और क्या पढ़ोगे तुम? ये चार फॉर्मूले पढ़ लिए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक पढ़ा था साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एक पढ़ा था कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक पढ़ा था कॉस ए माइनस बी माइनस होता है कॉस बी प्लस साइन ए साइन, ये चार पढ़े। हाँ सर टेन के भी तो थे। टेन के भी थे, ये चार पढ़े थे ना। हाँ सर ये तो पढ़ लिए थे पहले। तो वैसे कोई नए फॉर्मूले नहीं है, लेकिन वो नए तरीके से लिखे हैं, इस वजह से वो नए हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा टू साइन ए कॉस बी, राइट हैंड साइड में यही बचेगा ना, टू साइन ए कॉस बी, ये तो कट ही जाएंगे।
और लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो साइन ए कॉस भी कट जाएंगे, कॉस ए साइन भी ऐड हो जाएंगे, टू कॉस ए साइन भी बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले कॉस ए कॉस भी जुड़ जाएंगे, तो टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। और अगर मैं फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दूं तो टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। ये भी चार एक नए फॉर्मूले, ये भी आपको याद रहने चाहिए, वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर कोई याद है तो उनसे तुरंत बना लोगे, लेकिन फिर भी अगर याद हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये कब यूज होते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू में लिखे हो और हम उनको अलग अलग करना चाहते हो, तो ये इनटू में लिखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। जैसे कोई एग्जांपल है, मान लो ये लिखा है टू साइन 45 साइन 15 डिग्री, इसको मैं अलग अलग करना चाहूं तो टू साइन ए साइन बी को क्या लिख सकता हूं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस 30, ये हो जाएगा कॉस 60। cos 30 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू और cos 60 की 1/2, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन टू। वैसे भी आ जाएगी वैल्यू इसकी, तो अगर यहीं पर sin 45 और sin 15 की वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया sin 15, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन एंगल की वैल्यू नहीं मालूम होती लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी की मालूम होती है, तो अगर इसको इनटू वाले को अगर प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऐसे एंगल आ जाते हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम हो और हम आराम से उनकी वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते हैं। समझ आ रहा है कुछ? इनटू में लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनको अलग अलग करना चाहते हो आप, प्लस माइनस में लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूले लगा लो, फॉर्मूले बहुत आसानी से आ जाएंगे, वो प्लस माइनस करके ही आए हैं ऊपर वाले चार फॉर्मूलों को। क्या करें, ये समझ गए? इसमें सर, हाँ बेटा सर, इसमें थोड़े मुश्किल मुश्किल करवा दीजिए सर, क्योंकि सर इतने आसान तो आएंगे नहीं। अच्छा, इसके क्वेश्चन करवा दूं? मुश्किल मुश्किल, हाँ थोड़े मुश्किल मुश्किल करा रहे, घबरा नहीं। देखो चार और फॉर्मूले पढ़ लो फिर कराते हैं, ठीक है? चार और फॉर्मूले भी इन्हीं से बन गए, कोई नई फॉर्मूले नहीं है। आप क्या करो, a प्लस बी को c लिख लो, a माइनस बी को d लिख लो। अगर a प्लस बी को c लिख रहे हैं और a माइनस बी को d लिख लेंगे तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, देखो दोनों को ऐड करो, ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी अपॉन टू, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी अपॉन टू। तो इन्हीं फॉर्मूलों में ए प्लस बी को सी से, ए माइनस बी को डी से, ए को सी प्लस डी अपॉन टू से, बी को सी माइनस डी अपॉन टू से, इससे रिप्लेस कर देंगे तो चार नए फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला फॉर्मूला बन जाएगा, देखो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन ए हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन टू, कॉस बी हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन टू, तो पहला वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा। दूसरा
दूसरा बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन। तीसरा बन जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन। और फोर्थ बन जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन। ये चार नए फॉर्मूले और आते हैं। जब तक तुम नोट करोगे मैं देखता हूँ इस पे कुछ थोड़े सर मेरे को एक डाउट पूछना था। सर आपने पिछली से पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था 10-15 डिग्री वाला। हाँ। तो सर उसमें मतलब आपने 60-45 किया था। 10-60-45 किया था तो सर उसमें 10-45-30 क्यों नहीं कर सकते? मैंने कब मना किया था सर? लेकिन करके देखा लेकिन आंसर गलत आ रहा है। सेम आएगा बेटा, एक बार और देखो। सर एक बार आप करके दिखा दो। चल अगर तुम चाहते हो पूरी क्लास का टाइम खराब करना तो करवा लो। 10-15 डिग्री इधर कर देता हूँ। 10-45-30 क्योंकि 10-45-10-30 अपॉन 1 प्लस 10-45 × 10-30 रूट 3। या तो ऐसे समझ लो एलसीएम दे रहे हैं या ऐसे समझ लो रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए रूट 3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट 3 माइनस 1 का ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके सर मैंने रेशनलाइज नहीं किया, ये गलती गलती सॉरी। समझ गए? यस सर आ गए। वो रेशनलाइज नहीं किया इसलिए गलत आ रहा। सर के आगे बोलो। सर आपने सी और डी सब्स्टिट्यूट किया मतलब वो सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू सर एक बार ऊपर समझा देंगे सर? इन्हीं फॉर्मूलों में जहां ए प्लस पे दिख रहा है वो सी रख दिए तो साइन सी हो गया, ये प्लस लिखा हुआ है ये साइन डी हो गया, ये इक्वल टू का साइन है, ये टू है, ये साइन है, ए की जगह सी प्लस डी अपॉन टू फिर कॉस है, बी की जगह सी माइनस डी। ओके सर ठीक है अब आ गया। ये लिख लिए ना फॉर्मूले? Prove that cos 47 degree plus cos 77 degree equal to cos 70 degree. Cos 80 degree plus cos 40 degree minus cos 20 degree equal to 0. साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री इक्वल टू 0। साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a अपॉन cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a इक्वल टू 10 डिग्री।
इफ साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू वन बाई टू एंड कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू वन बाई थ्री फाइंड टेन ए प्लस बी अपॉन cos 10 cos 20 cos 40 cos 80 degree equal to 1 by 8 sin 20 sin 40 sin 80 equal to root 3 by 8 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 70 डिग्री इक्वल टू रूट 3 बाई 16 ये सब नोट कर लो फिर मैं बोर्ड साफ कर दूंगा और एक एक क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वाला आ गया होगा इसमें cos c plus cos d लगा दो तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2 अच्छा अभी मैं एक दो क्वेश्चन में ही बस लिखूंगा ऐसे c plus d upon 2 फिर डायरेक्ट लिख दिया करूंगा c plus d upon 2 करके कितना आएगा फिर रोना नहीं आपको है ना प्लस माइनस करना आप जानते हैं अच्छे से तो ये हो जाएगा आपका 124 upon 2 124 upon 2 कितना हो जाएगा 62 और cos ये क्या हो जाएगा 15 फर्स्ट वाला किसने कर दिया भाई फर्स्ट वाला कौन कह रहा था डन अच्छा कैसे कर लिया सवाल गलत है तो सही कैसे ले आए तुम लोग साइन 47 होना चाहिए शायद साइन 47 है वही तो मैं बोल रहा हूँ गलत सवाल को सही कर लिया इन्होंने ये तो मतलब महान लोग है भाई
ये साइन में ये कॉस में, तो एक काम करते हैं पहले, या तो एक काम करो कि दोनों को साइन में बदल दो या दोनों को कॉस में बदल दो। एक काम करें दोनों को साइन में बदल लेते हैं ना, कॉस 77 को क्या लिख सकते हैं, साइन 13 डिग्री। अब लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 sin C + D/2 और sin C - D/2। तो ये आ जाएगा 2 sin 30 degree और sin 17 degree। sin 30 1/2 होता है, 2 sin C + D/2 cos C - D/2। cos 17 डिग्री आ जाएगा हमें, समझ आ गया नहीं आया फर्स्ट वाला? एक कौन मान लोग थे कोई बताएगा जिसने गलत सवाल को भी सही कर लिया था? सर एक दिव्यांश था और एक कोई नंदिनी तिवारी थी शायद से। दिव्यांश दिव्य शक्तियों वाले कहाँ हैं? नंदिनी तिवारी कहाँ हैं? हाँ आवाज आ रही है तुम्हें, बोलो कैसे कर लिया? यस सर, सर मैंने साइन 47 ही लिया था। अरे? मैं बोलने वाली थी आपको कि वो साइन 47 है, तब तक आपने कर दिया वो। अच्छा चलो सर। हाँ सर, कॉस कैसे आया सर, 2 sin cos करके सर? बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला था ना, 2 sin C + D/2 cos C - D/2। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखा है? यस सर देख, ओके सर। सेकंड में कॉस सी प्लस कॉस टी लगाओ इन दोनों में, 2 cos C + D/2 cos C - D/2 और इसको ऐसे ही रहने, ये हो गया cos 60 और ये हो गया cos 20। cos 60 1/2 होगा, उससे 2 कट जाएगा, तो cos 20 माइनस cos 20 0 आ जाएगा। थर्ड किसने कर लिया? पार्थ ने कर लिया। कैसे कैसे किया बताओ बेटा? सर मैंने साइन 10 और साइन 70 को साथ ले लिया। साइन 10 माइनस साइन 70, तो सर उसका आंसर आएगा माइनस कॉस 40। ठीक है। और ऐसे सर साइन 20 और माइनस साइन 80, सर माइनस कॉस 50। सही है, कर सकते हैं बिल्कुल सही। थैंक यू सर। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इन दोनों को ले लूँ साथ और इन दोनों को ले लूँ साथ, जैसे तुमने किया वैसे भी कर सकते हैं, है ना? मैं दूसरे तरीके से कर देता, तो इन दोनों को अब ऐसे ही एंगल साथ में लेते हैं जिनसे कुछ अच्छा सा बन रहा हो, है ना, जैसे 50-60 बन रहा है, 40-20-60 बन रहा है, तो इन दोनों को साथ साथ ले लेंगे, तो 2 sin C + D 10 + 50/2 cos C - D। ऐसे ही जब इन दोनों को साथ लेंगे तो 2 sin 20 + 40/2 और cos 20 - 40/2। ये माइनस माइनस वालों को बाद में लिख लेंगे, पहले ये प्लस प्लस वालों का हिसाब लगाएंगे, तो 2 ये हो जाएगा साइन 30, 50 + 10 60/2 साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2
और ये हो जाएगा cos 20। जैसे माइनस का आएगा लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए cos माइनस 20 लिख लो चाहे cos 20 लिख लो एक ही बात। ये भी sin 30 आएगा, sin 30 1 by 2 हो गया, और ये आएगा cos 10, माइनस 10 आएगा लेकिन cos माइनस 10 और cos 10 बराबर ही है, ये कट गए और ये भी कट गए। क्या आया cos 20 प्लस cos 10, cos 20 को sin में बदलेंगे तो ये हो जाएगा sin 70 और ये हो जाएगा sin 80। तो प्लस प्लस वाले जो टर्म्स थे उनको सॉल्व करके sin 70 प्लस sin 80 आ रहा है, और माइनस वाले भी sin 70 और sin 80 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। आया क्या समझ में? सर ऐसे 10 और 80 को भी कंबाइन कर सकते थे ना? हाँ कर सकते, आ जाना चाहिए बस। ओके सर। ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं कि आप सही करोगे तो सही आएगा, कुछ सवालों में सही करना भी होता है और कुछ स्मार्ट तरीके से भी करना होता है। स्मार्ट तरीका मतलब कि थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस किस को साथ ले। ये नोट कर लिया। इसमें हमें 3a लाना है तो एक काम करो, ये 5a और a वालों को साथ ले लो और 2a और 4a वालों को साथ ले लो, इनको साथ लेंगे और इनको साथ लेंगे। तो जब sin c plus sin d लगाएंगे तो 2 sin c plus d upon 2 c plus d upon 2 करके 3a आ जाएगा, ठीक है ना? लगा लो दोनों में sin c plus sin d, 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, इन दोनों में भी लगाओ sin c plus d upon 2 और cos c minus d upon में भी लगा लो, upon में भी a और 5a वालों को साथ रखेंगे तो cos c plus cos d क्या होता है 2 cos c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2, ऐसे 2a और 4a वालों में लगाएंगे तो 2 cos c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2। यहाँ पे 2, ये 2 कॉमन आके कट गए, ये क्या हो गया साइन 3a, ये हो गया cos 2a, ये साइन 3a, ये cos a, ये cos 3a, cos 2a, cos 3a, cos a, ऊपर से कॉमन ले लो साइन 3a, क्या बचेगा cos 2a plus cos a, नीचे से कॉमन ले लो cos 3a, क्या बचेगा cos 2a plus cos a, ये दोनों कैंसिल हो गए और tan 3 आ गए। बोलो समझ आया क्या? नोट कर लो तभी डन लिख देना है ना।
लास्ट स्टेप कैसे किया, बस साइन थ्री ए कॉमन लिया था और कॉस थ्री ए कॉमन लिया था, और क्या किया था उसने? न्यूमरेटर में से साइन थ्री ए कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर में से कॉस थ्री ए कॉमन लिया है। आया क्या समझ में? नहीं, राइट हैंड साइड में कहाँ देखे गए? वही चीज जो यहाँ लिखी थी वही, अब नीचे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने उधर लिख दिया था। इसको देखो, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, वो तो यहाँ से दिख रहा है, सी प्लस डी अपॉन टू ऐसे दिख रहा है ना, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो क्या आएगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन, ये वन बाई टू है, ये वन बाई टू राइट हैंड साइड में है, इक्वल का साइन भी है, और इधर साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन इक्वल में वन बाई थ्री आई, इसमें कॉस सी माइनस कॉस टी लगा दिया, कॉस सी माइनस कॉस टी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी, बस डिवाइड लगा दो, ये दोनों से कट गया, टू भी कट गया, तो माइनस का कॉट ए प्लस बी अपॉन टू आ गया थ्री बाई टू, तो टेन ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा माइनस का टू बाई थ्री। बोलो पूछ लो, अभी लास्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप किसी को पूछना है तो पूछ लो बेटा। आ गया, नो परेशानी। ये आया किसी को थर्ड वाला, लास्ट वाली क्या कह रहे हो, लास्ट वाली फिर पूछनी है, लास्ट वाली स्टेप कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी अपॉन टू आया था शायद थ्री बाई टू, मुझे याद नहीं सर, माइनस कॉट ए प्लस बी अपॉन टू, माइनस कॉट ए प्लस बी अपॉन टू आया था थ्री बाई टू, तो कॉट ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और टेन ए प्लस बी अपॉन टू कॉट वाले का उल्टा होगा तो माइनस टू बाई थ्री। थर्ड किसी ने कर लिया, थर्ड तीसरा सवाल, अनुष्का बेटा बताओ, अनुष्का कैसे कैसे किया? सर मैंने इसमें साइन टू इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगाया है। वो तो मैंने फॉर्मूला अभी बताया नहीं बेटा। सर मैंने तो उससे से किया अभी। अच्छा बताओ, चलो उसी से बताओ कैसे कैसे किया। सर cos 40 को sin 80 अपॉन 2 sin 40 लिख सकते हैं। सही है, सही है, सही कर दिया बेटा तुमने, बहुत दिमाग लगा दिया तुमने। सुनो अभी फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे इसके लिए ना, जो तुमने किया ना उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे। हाँ बेटा तुम क्या बोल रहे थे, एक और बच्चा कुछ बोल रहा था। सर मैं पूछ रहा था कि इसमें 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ तो सर 2 cos वो 1/2 cos 20 और ब्रैकेट में 2 cos 40 cos 80 हो जाएगा, फिर हम प्रॉपर्टी लगा दें जो कि हाफ cos 20 cos 80 plus 40। एक टू का डिवाइड लगाया है, एक तीन टू का डिवाइड लगाया है, ये बताओ।
सर टू का हाफ का मतलब वन बाई टू मतलब टू का डिवाइड लगा दिया, टू का इंटू कर दिया, सर आंसर नहीं आया पर मेरा पूरा। तुमने डिवाइड तो एक टू का लगाया है, मल्टीप्लाई तीन टू का किया है, तो आंसर कैसे आएगा? नो सर, एक का ही किया है। तुम तो बोल रहे थे टू कॉस 20, टू कॉस 40, टू कॉस 30। नो सर, नो सर, तीन का नहीं लगाया सर। चलो मैं करता हूँ, दो का डिवाइड लगा लिया, टू कॉस 40 कॉस टू कॉस 20 है ना, कॉस 40 और कॉस 80 को अभी अलग दिखा रहे, पहले इन दोनों में टू कॉस से कॉस भी लगा लो, यही तो करना चाह रहे हो तुम? यस सर। और टू कॉस से कॉस भी करेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। सर मैंने कॉस 20 अलग रखा दिया था, कॉस 20 अलग रख लेते, चल कैसे भी तो तुम खुश रहो। लेते हैं 40 और 80 शामिल कर लेते हैं, बस खुश हो? यस सर। हाँ, टू कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। ये बन गया कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 90 प्लस 30 करके निकाल लो, या 180 माइनस 60 करके, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 40। यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लो, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई 4 माइनस 1 प्लस 2 कॉस 40। कॉस 20 का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस 20 प्लस 2 कॉस 40 कॉस 20। यहाँ तक डाउट है क्या तुम्हें कोई? नहीं सर, इसके बाद नहीं हुआ, पर इसके बाद होगा ना। अभी इधर लिख देता हूँ, 1/4 माइनस का कॉस 20, इसमें फिर से लगा दो 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी 40 माइनस 20 20 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इतना तो समझ रहे होंगे ना, ए प्लस बी करके 60 आएगा, ए माइनस बी करके 20 आएगा, कॉस 20 से कॉस 20 कैंसिल हो गया, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आ गया। 1/8 हाँ भाई, कौन पूछ रहा था सेकंड स्टेप? बोल दो यार जल्दी। 6th कहाँ है? 6th स्टेप, अच्छा बेटा, ये माइनस कॉस 20 तो लिखा ही हुआ है, देखो प्लस भी लगा है। अब ये 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाया, 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करके तो 40 प्लस 20 60 आ गया, और ए माइनस बी करके 40 माइनस 20 20 आ गया। बोलो 5th बताना है, धन्यवाद। 5th के लिए क्या करना है, 1/4 ऐसे ही लिखा है, ब्रैकेट भी मैंने ऐसे ही बनाया है, माइनस का साइन भी ऐसे ही है, cos 20 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया cos 20 आ गया, प्लस का साइन बिल्कुल वैसा ही है, 2 भी बिल्कुल वैसा ही है, cos 40 भी वैसा ही है, cos 20 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये cos 20 आ गया, ब्रैकेट भी बंद मैंने वैसे ही किया। और बोलो, और किसी को पूछना है? आर्यन, प्रखर को क्लियर, अर्चित को भी क्लियर, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो, नहीं तो साफ कर रहा हूँ फिर मैं इसको। ठीक है, साइन 20 साइन 40 साइन 80
ये किसके का लड़ाई हो गई? हाँ भाई, ये वाला आया किसी को? वो पिछला वाला क्वेश्चन जिस बच्ची ने किया था वो बताओ, आगे आओ। ये वाला कर पाए बेटा तुम? नहीं? ठीक, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी भाई टू का डिवाइड टू का मल्टीप्लाई। साइन 80 को अलग दिखा रहे, इसमें फॉर्मूला लगेगा टू साइन ए साइन बी वाला। टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी हो गया 60, यही होता है क्या? देखो जल्दी, कोई भी समस्या है किसी को बता दो। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। sin 80 को चाहो तो sin 80 लिखा रहे, तो अगर नहीं चाहो तो इसको cos 10 भी लिख सकते हो। 10 करने से क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन छोटी सी रहेगी, है ना? ये जो एंगल आएंगे छोटे छोटे से आएंगे, 10-20 ऐसे। तो अगर आप चाहें कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको cos 10 कर लूं, अगर आपको ऑब्जेक्शन हो तो मैं sin 80 रहने देता हूँ। बताओ, यहाँ पर 2 एलसीएम दे दिया तो बाहर आ जाएगा 4, 2 cos 20 माइनस 1। क्या करूँ इसका, sin 80 का cos 10 कर लूँ? चलो cos 10 कर लेता हूँ, साइन 80 रहने देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा एंगल बड़े बड़े आएंगे, वो नहीं आएंगे बड़े बड़े, उससे भी बड़े नहीं आएंगे, उससे भी छोटी छोटी। तो साइन 80 रहने देता हूँ, कुछ लोगों को परेशानी होगी, हम कैसे सोचेंगे सर। हाँ, मल्टीप्लाई करो, 2 साइन 80 कॉस 20 हो गया माइनस साइन 80। अब 2 साइन ए कॉस भी लगाओ। अब ये फॉर्मूले जब उंगलियों पे होंगे ना तो तुम जल्दी जल्दी कर पाओगे सवाल, नहीं तो हर बार तुम्हें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। और 2 साइन ए कॉस भी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, रूट 3/8 आ जाएगा। अब ये कैंसिल कैसे हो गए ये तुम पूछोगे, मुझे बताए पक्का। देखो साइन 100 है ना, साइन 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 80, तो 180 से साइन साइन ही रहेगा, और sec इंपॉर्टेंट है तो साइन की वैल्यू 10 की रहेगी, तो साइन 100 और साइन 80 बराबर ही होते हैं। आ गया क्या समझ में? आ गया, बहुत अच्छे, और लिख भी लिया होगा शायद। इसमें साइन 60 की वैल्यू तो रूट 3/2 होगी, ये तो पहले ही कर दो। अब बचता है साइन 10, साइन 50 और साइन 70। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, जिससे कि फॉर्मूला लगा सके 2 साइन ए साइन बी वाला।
रूट थ्री अपॉन फोर, टू साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, टेन माइनस फिफ्टीन फोर्टी हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, टेन प्लस फिफ्टीन सिक्सटी हो जाएगा। एक ही जैसे सवाल है, रूट थ्री बाई फोर कॉस फोर्टी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू हो ही गई, एलसीएम ले लो तो रूट थ्री बाई एट टू कॉस फोर्टी माइनस वन साइन सेवेंटी। इस बार चेंज कर देते, पिछली बार नहीं किया था ना, इस बार चेंज करके कर देते हैं, ये कॉस ट्वेंटी लिख लो, टू कॉस फोर्टी कॉस ट्वेंटी माइनस वन, नहीं माइनस कॉस ट्वेंटी, कॉस ट्वेंटी का मल्टीप्लाई किया ना अंदर, लगाओ फॉर्मूला भाई इसमें टू कॉस ए कॉस बी वाला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्सटी हो गया, फोर्टी माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी हो गया माइनस कॉस ट्वेंटी, ये दोनों खत्म हो गए। रूट थ्री बाई एट और कॉस सिक्सटी की वैल्यू हो गई वन बाई टू, तो रूट थ्री बाई सिक्सटीन आ गया। बोल देना किसी को परेशानी हो तो कुछ भी। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने सर जब हम प्री बैच में था आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन थीटा इनटू साइन 60 माइनस थीटा इनटू साइन 60 प्लस थीटा, कब लिखवाया था सर प्री बैच? हाँ वो लगा सकते हो उसमें। ओके सर लगा सकते हो, उससे तो 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। अभी लिखवाएंगे, इसमें भी लिखवाएंगे। सर एक बार ये बता दो रूट थ्री अपॉन हमने जो कॉमन लिया है वो वाला स्टेप क्लियर कर दो सर। क्या 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 फर्स्ट स्टेप में जो कॉमन लिया है और डिवाइड किया, मतलब डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया है, वो एक बार क्लियर कर दो। टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड, अब इसमें क्या क्लियर करूं, पता तो है तुम्हें मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। रूट थ्री कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब मिक्स क्वेश्चन देता हूँ एक दो, है ना, देखता हूँ तुम कितने कर पाते हो। एक सवाल, इफ साइन टू ए इक्वल टू लैम्डा साइन टू बी देन प्रूव दैट tan a plus b upon tan a minus b equal to lambda plus 1 upon lambda minus। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
ये बड़ा क्वेश्चन है, बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला आता हुआ दिख रहा है क्या किसी को? आ गया क्या? आ गया ट्रिपल, यह आता हुआ दिख रहा है अभी। करो करो वैभव शर्मा ने कर लिया, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ओम सिंह सही है बेटा, दूसरे का आंसर। विपुल गोयल ने भी कर लिया, कौन सा कर लिया, फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला कर लिया, तो बताओगे तुम कैसे किया विपुल? सर इसमें पहले हमने जो 10 2b था उसको हम नीचे लिया है, तो 10 2a अपॉन 10 वो sin 2a अपॉन sin 2b इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया। फिर उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया हमने इसमें, और फिर उसके बाद हमने फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया मतलब sin 2a + sin 2b / sin 2a - sin 2b बन गया। फिर इसको हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया था सर, इसमें 2 sin 2a + 2b / 2 और cos 2a minus 2b upon 2 ऐसे नीचे कर दिया। हाँ sin c plus sin d वाला। हाँ सर, और 2 से 2 कट गया और इसके बाद cos a plus b का डिवाइड दे दिया दोनों तरफ नीचे। देखो sin 2a upon sin 2b हो जाएगा lambda upon 1। अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दी, वो तो आपको इसे देख के ही समझ जाना चाहिए कंपोनेंट और डिविडेंड लगेगी। तो sin 2a plus sin 2b upon sin 2a minus sin 2b, ये हो जाएगा lambda plus 1 upon lambda 1। अब इसमें sin c plus sin d वाला फॉर्मूला लगा, तो ये आएगा sin c plus d upon 2, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं c plus d upon 2 करके, क्या आएगा a plus b आएगा, c plus d upon 2 करोगे तो ये आएगा sin c plus sin d होता है 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2 करेंगे तो a minus d, sin c minus sin d करेंगे तो 2 cos c plus d upon 2 और sin c minus d upon 2। तो ये आ गया tan a plus b cot a minus b equal to lambda plus 1 upon lambda minus, ये cot a minus b को नीचे ले आओ बस, तो tan a plus b upon tan a minus b हो गया। आया क्या समझ में? ये स्टेप नहीं आया होगा सर। हाँ सर मैंने थोड़ा अलग किया था, ये आया समझ में आप? यस सर ये तो आ गया सर, पर सर मैंने क्या किया था सर? रुक जाओ पहले इसी पे फैसला कर लेते हैं।
ओके सर, थर्ड वाली लाइन नहीं आई बेटा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, तो वो जो सी प्लस डी अपॉन टू आ रहा है उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया ए प्लस बी। आया समझ में? ऐसे ही कॉस सी माइनस डी अपॉन टू को डायरेक्ट लिख दिया ए माइनस बी। ये मैंने बोला था कि अब प्लस माइनस को आप खुद समझना, मैं बस तुम्हें ये बताया करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट लिख दिया करूंगा कि सी प्लस डी अपॉन टू करके ये आएगा, सी माइनस डी अपॉन टू करके ये आएगा, क्योंकि बार बार अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। आ गया ना फर्स्ट समझ में? ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हाँ सर, हम इसे पहले से एक्सपेंड कर सकते थे, जैसे tan a plus b को लिख देते, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, और सर फिर उसे दोनों तरफ करके सर फिर tan को sin में कन्वर्ट कर देते, sin upon cos में। हाँ तो सर फिर जहाँ का कहीं भी sin a sin a cos से आता तो सर वहाँ पे sin नहीं sin 2a बन जाता। यस सर, साइन टू ए हो जाता तो आ जाता। फॉर्मूला मैंने अभी बताया ही नहीं तुम्हें। ओके ओके सर, वो आपने चाहे प्री बैच में पढ़ा हो या एसजे सर ने फिजिक्स में बता दिया हो वो अलग बात है, मैंने नहीं बताया ना, तो मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा आपको जिसमें साइन टू ए का टू साइन ए कोस ए वाला फॉर्मूला लग रहा हो। सर प्री बैच में बताया था आपने वो। अभी प्री बैच में जो चीजें सीखी थी उनका बस थोड़ा सा फायदा उठा लो, ज्यादा फायदा मत। इसका आंसर आ गया 3/16, बिल्कुल ऐसा ही सवाल कराया था। साफ कर दो इसको, क्या ये भी पूछना है? हाँ मैं कह रहा था, मैं थोड़ा अलग किया था, कंपोनेंट डिवेंडो से नहीं किया था मैंने। हाँ आ गया ना आंसर कि नहीं आया? आंसर तो सही आया सर। नहीं आया? सही आ गया था आंसर सर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब पूछ रहा था सर, मैंने क्या किया था, लैम्डा मैंने दोनों साइड, सुनो करो कैसे भी आना सही चाहिए और करना भी सही है, कैसे भी कर सकते हो लेकिन सही सही करना है, किसी को किसी ऑब्जेक्ट मतलब उस पे स्टेप पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ गलत ना करो, बस सही सही किया है तो चाहे तरीका कोई भी हो सही आएगा। हाँ बेटा, अगर तुम्हें फिर भी मान लो वो चेक करवाना है कि वो तरीका सही है या नहीं, वैसे आंसर आ गया है तो इससे साबित होता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी चेक कराना है तो आप मुझे मेरे पास भेज देना वो सॉल्यूशन, उसका मैं चेक कर लूंगा। ठीक है? ओके सर। इसका बताओ, इसका करना है इस सवाल को या छोड़ दें इसको? बोलो बोलो जल्दी, नहीं करना? ठीक है ठीक है, एक सवाल देता हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल है उसमें, मतलब है इजी लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी कठिन पड़ेगी। आप कहें तो मैं ही कर देता हूं इसको, और आप चाहो तो आप ट्राई कर लो। ये मैं ही करा देता हूं, चलो सही रहेगा ना। इन दोनों में cos c प्लस cos t लगा लो, तो cos c प्लस cos t लगा के क्या आएगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन।
फिर इन दोनों में भी cos t plus cos t लगाऊंगा, यहां से क्या आएगा 2 cos c plus d upon 2, तो c plus d upon 2 करके क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 ये आएगा, और cos c minus d upon 2, तो c minus d upon 2 करके आएगा अल्फा प्लस बीटा upon 2, बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, cos c plus cos t 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, इसमें दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत बस यही होगी कि जोड़ और जोड़ना और घटाना नहीं आता आपको, cos c plus cos t लगाएं तो 2 cos c plus d upon 2 करेंगे तो ये आएगा, और c minus d upon 2 करेंगे तो ये आएगा, पूछना है तो पूछ लो भाई। अब इन दोनों में से 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ये कॉमन आ गया, बचा क्या, एक तो बचा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 cos, यहां पे क्या बचा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2, इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे cos c plus cos t वाला, और 2 cos c plus d upon 2 करके आ जाएगा अल्फा प्लस गामा अपॉन, और cos c minus d upon 2 करके आ जाएगा बीटा प्लस गामा, तो ये आ गया 2 × 2 = 4 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos beta plus gamma upon 2 cos gamma plus alpha. बोलो सर प्लीज एक बार वो फर्स्ट स्टेप में कॉस गामा वाला कैसे आया, ये वाला बेटा कुछ नहीं है, बार बार तुम एक ही डाउट पूछ रहे हो, सी और डी इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड लगा के ये आएगा, और इसमें से घटा के 2 का डिवाइड लगा के ये आएगा अल्फा प्लस बीटा को, ये वही चीज है, बस आप एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इन दोनों को एड करो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा हो गया, अपॉन 2 लिखा है कि नहीं लिखा, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 लिखा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बताऊं क्या, देखो यहां पे आया 2 cos c प्लस d गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन, और यहां पे आया cos c माइनस डी गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो ये गामा गामा कट गया, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसको तो cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 लिख दिया, और इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 लिख दिया, बताओ प्लस माइनस की तो है और क्या है, नहीं आया क्या, आ गया,
चलो ये सवाल कर लो, फिर मैं कुछ और मुझे बताता हूँ आप। इसको भी मैं ही करा दूं क्या? ये जो लिखा है ना टू साइन ए कॉस बी, इसकी जगह लिख लो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। पता नहीं ये समझ आया होगा कि नहीं आया होगा। टू साइन ए कॉस बी की जगह साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख दिया। ये फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। जब साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स पर ए माइनस बी आएगा माइनस का, जिससे ए प्लस का कर दिया। अब बचा साइन स्क्वायर ए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। इसका भी फॉर्मूला दिखाया मैंने, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर बी आ गया। एंड टू बस कुछ है ही नहीं इसमें। सर ये सेकंड स्टेप समझ नहीं आ रहा है। ये बेटा फॉर्मूला लिखा है सीधे सीधे, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला देखो आज का फर्स्ट फॉर्मूला यही लिखा है। Yes, sir. Okay. Sir, sine square a, sine square a minus b और sine a minus b को कट कर देंगे तो सर कुछ बचेगा नहीं, पूरा कट जाएगा। ये sine a minus b का sine a minus b में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ sine square a minus b आएगा। ओके सर, ठीक, ओके सर, ओके सर। होमवर्क दिया था उसमें डाउट है क्या? नहीं सर, लास्ट की वो लास्ट की टर्म थी ना साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी, सर वो समझ नहीं आई। बेटा पिछली से पिछली क्लास में एक फॉर्मूला लिखाया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, पिछली से पिछली में नहीं केवल पिछली में ही लिखाया हुआ। लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखाया होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले लिखा रहे ना ये घर जाकर याद करने होते हैं। क्या करना होता है? वैसे बुखार में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, चाहते तो तुम क्लास ले सकते थे। बुखार में प्रॉब्लम होती है जब ज्यादा दिन तक बुखार रहता है, 6-7 दिन रहता है तब कमजोरी आ जाती है। 1-2 दिन तो बुखार की टेबलेट खाओ और बुखार उतर जाता है। हाँ, अर्चित देवगुरु पारा सर और कौन कौन थे अभी? 2-3 लोग और हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये पीडीएफ भेजते नहीं भेजते?
ग्रुप में भाई। सर आपने अर्चित से कही थी, वो भेज देता है। और किसी से नहीं कही? नो सर। और कौन कौन है? दो तीन लोग और हैं। देव ग्रुप आ रहा है सर। मैं ही बोल रहा हूँ। सर भेजा करो बेटा। सर बैच, सर बैच टू में मैं भेज देता हूँ। अच्छा बैच टू में तुम भेज देते हो। और कौन है आगे? आओ जो होमवर्क पहले कर लेता है। अरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। जो सबसे पहले सवाल करके बता देता है वो बोल रहा था मेरा हो गया। पार्थ अग्रवाल। पार्थ अग्रवाल हाँ भाई। यस सर। तुम भी भेजा करो। ओके सर। हाँ जो थोड़ा ठीक से है, मतलब जिनको ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं वो भेज दिया करो। इससे क्या होगा कि तुम लोगों के आपस में भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है किसी को, मतलब पार्थ को नहीं आया हो, अर्चित को आ गया हो, या अर्चित को नहीं आया हो, पार्थ को आ गया हो, तो आपस में भी क्लियर हो जाएंगे थोड़ी। ठीक है सर, आप प्लीज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज दीजिए ग्रुप पे। भेज दूंगा बेटा। ठीक है भेज दूंगा। अच्छा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। क्या पढ़ा था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें ए को और बी को दोनों को अगर थीटा रख दूं, ए को और बी को दोनों को थीटा रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? देखो थीटा प्लस थीटा क्या बन गया? ये टू थीटा। और ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। और ये भी साइन थीटा कॉस थीटा ही है, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होगा साइन कॉस के टर्म में ना। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला टेन के टर्म में भी होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले आपको याद रखना। ये कैसे आएगा? ये इसी से बना सकते हो चाहो तो आप। ये जो टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसके अपॉन में वन मान लो। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, इसमें कॉस स्क्वायर का ऊपर और नीचे डिवाइड लगा लो। तो ये एक कॉस तो कट जाएगा, एक कॉस साइन के नीचे रख के टेन हो जाएगा, टू टेन थीटा। अच्छा वन अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में वन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उस सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया। समझ आया? टू साइन थीटा कॉस थीटा और टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम ही है। अगर साइन टू थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला लगा लेना, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन को अगर टेन में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला लगा लेना। हाँ बेटा बोलो क्या पूछ रहे थे सर? मतलब सर इन सबके सर वो याद करें फॉर्मूला या फिर सर डेरिवेशन याद करनी है? फॉर्मूले याद करेंगे ना? केवल फॉर्मूले याद करेंगे सर। कोई फॉर्मूले का ये मैं जो ड्राइव इसीलिए कराता हूँ कि बाई चांस अगर आप भूल जाओ कि फॉर्मूला क्या था तो एक बार ड्राइव कर लोगे। ओके सर। ये ड्राइव बस इसलिए करा रहा हूँ कि तुम्हें लगे कि हाँ कोई चीज विदेश से नहीं आ रही है, सब ये इधर ही कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई कर करा के चेंज करके थोड़ा सा लिख दिया है। समझे? जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से मैंने वो बनाए थे टू साइन ए कॉस बी और टू साइन साइन ए साइन बी। अब मैं उन्हें नहीं बताता कि ये प्लस माइनस करके बनाए हैं, तो तुम सोचते कि भाई वो पिछले चार अलग थे अब ये चार अलग है। और फिर सी और डी वाले मैं नहीं बताता कि ए प्लस बी की जगह सी ए माइनस बी की जगह पर डी लिख के ये बना दिए हैं, तो तुम्हें लगता है ये चार बिल्कुल अलग है। तो अभी आपको रिलेशन पता है कि ये सब फॉर्मूले एक ही जगह से आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके आ रहे हैं। ठीक है? थोड़ा जाने पहचाने से लगते हैं तो जल्दी दोस्ती हो जाती है फॉर्मूला से। हाँ भाई ये जो है ना साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा,
यहाँ पे एक बात अच्छे से समझनी आपको कि जरूरी नहीं कि टू थीटा होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए वैलिड है, कभी भी लगा सकते हो। मतलब ऐसे हो ना साइन 500 डिग्री तो इसको भी लिख सकते हो टू साइन 250 डिग्री कॉस 250 डिग्री। टू थीटा 500 है तो थीटा 250 डिग्री हो जाए। नहीं आ रहा कुछ समझ में। अगर केवल साइन ही लिखा है ना इसमें भी लगा सकते हो, केवल साइन ए लिखा है इसमें भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। टू थीटा अगर ए है तो थीटा ए बाई टू हो जाएगा, तो साइन ए क्या हो जाएगा टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। कभी भी लगा सकते हो यहाँ पे साइन कुछ भी लिखा हो, समोसा लिखा है इसको टू साइन समोसा अपॉन टू कॉस समोसा अपॉन टू। बस साइन थ्री थीटा लिखा है, वैसे साइन थ्री थीटा का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन साइन थ्री थीटा को भी इस फॉर्मूले से चेंज करके लिख सकते हो, किसी को भी आप इस फॉर्मूले से चेंज करके लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा टू साइन थ्री थीटा अपॉन टू कॉस थ्री थीटा अपॉन टू। बस आपको क्या करना है टू साइन कॉस लिखने और एंगल आधे आधे करके लिख देते हैं, कभी भी लगा सकते हो ये फॉर्मूला। सॉरी बेटा आप समोसा नहीं लिखूंगा, समोसे भी याद आ रही होगी तुम्हें। समझ आया ये फॉर्मूला हम कभी भी लगा सकते हैं। साइन फाइव थीटा लिखा होगा तो टू साइन फाइव थीटा अपॉन टू कॉस फाइव थीटा अपॉन टू। तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा अब अगली क्लास से कि सर ये टू थीटा वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया, यहाँ तो फाइव थीटा है। पक्का ना? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसमें अगर ए और बी की जगह पर थीटा रख दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत कम यूज होता है ये फॉर्मूला, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं इसके? देखो कॉस स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, एक साइन स्क्वायर पहले से माइनस का था, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। वैसे तो ये दोनों बात एक ही है, लेकिन ये कॉस टू थीटा का अलग फॉर्मूला याद करना, ये अलग याद करना। अच्छा अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते तो ये आता फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये भी अलग याद करना है आपको। ये फॉर्मूले दोनों बहुत यूज होते हैं। ये फॉर्मूला ज्यादातर कम यूज होता है, ये इस तरह से कम यूज होता है, इस तरह से ज्यादा यूज होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ऐसे बहुत यूज होता है फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तभी भी लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है 2 साइन स्क्वायर लिखना है, एंगल हाफ कर देना है, जैसे 2 थीटा का थीटा हो गया वैसे ही x का हो जाएगा x / 1 माइनस cos 5x लिखा है तो 1 माइनस cos आपको दिखे तो तुरंत 2 साइन स्क्वायर लिख दो और एंगल कर दो हाफ।
बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? कॉस टू थीटा को केवल साइन में कन्वर्ट करना हो ये लगा दो, कॉस टू थीटा को केवल कॉस में कन्वर्ट करना हो ये लगा दो। वन माइनस कॉस टू थीटा कभी दिखे तो आप टू साइन एक्स का लिखोगे, एंगल यहाँ से हाफ कर दो। जैसे वन माइनस कॉस एक्स होगा तो टू साइन एक्स का एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस फाइव एक्स होगा तो टू साइन एक्स का फाइव एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस थ्री एक्स होगा तो टू साइन एक्स का थ्री एक्स बाई टू। ऐसे ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादातर ऐसे ही यूज होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस दिखते ही 2 साइन स्क्वायर लिखोगे और एंगल हाफ कर दोगे, वैसे ही अगर आपको 1 प्लस कॉस दिख रहा है तो 2 कॉस स्क्वायर लिखोगे एंगल हाफ कर दोगे। जैसे किसी ने पूछा 1 प्लस कॉस 4x कहीं दिख गया आपको तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ 4x का 2x, 1 प्लस कॉस 6x तो 2 कॉस स्क्वायर 3x, 1 प्लस cos 7x तो 2 cos स्क्वायर 7x अपन। बताओ बेटा कोई समस्या हो? नो समस्या सर? सर अभी हमारे पास अच्छे खासे कई सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे सर, लेकिन क्वेश्चन में कब कौन सा यूज करना है ये तो प्रैक्टिस से आएगा ना? हाँ प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूले जितने मैं लिखाते जा रहा हूँ ना उन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो अगर जैसे अगली क्लास से पहले ये सब फॉर्मूले आप याद करके आए तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें, और अगर फॉर्मूले याद करके नहीं आए तो बस मैं बोलूंगा कि कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा लो और मैं लिख दूंगा चेंज करके, और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको बस इतना पता चलेगा कि कोई फॉर्मूला लगाया है सर ने। अगली क्लास से पहले अगर आप ये फॉर्मूले रट के आ गए तो समझ लो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या मैं उम्मीद रखूं अगली क्लास से पहले आप रट के आएंगे ये सब फॉर्मूले? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से ये सब एक ही चीज लिखी है, बस अलग अलग तरीके से लिखी है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन, वो एक ही चीज है ना, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। वैसे ये सब एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो इतने ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि ये 5 फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूले हो गए कॉस टू थीटा के, साइन और कॉस के टर्म में। साइन और कॉस दोनों में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लगा लो, केवल साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, केवल कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो। एक कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में भी होता है। अगर टेन के टर्म में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ये आया कैसे, मतलब वो जो फॉर्मूला पढ़ा था ना कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसी से बना सकते हो इसको भी। अपॉन में बनता उसमें और तो कुछ था नहीं, तो कॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड लगा दिया तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया 1, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया 10,
वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर, बस वन माइनस टेन स्क्वायर और sec स्क्वायर को लिख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर, बन गया टेन के टर्म में। चलो तो इतने फॉर्मूले याद करके आना, होमवर्क में दे दूंगा आपको और फॉर्मूले सब रटे होने चाहिए अगली क्लास से पहले, ये ध्यान रखना। बाय बाय।